अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल पार्क फोर्सेस स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं लेट्स गो हमारा फर्स्टिक क्यूज़ है इन स्पेस आवर बॉडी ब्लैंक स्पेस कहते हैं हला को फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेस को समझ लेते हैं कि स्पेस है क्या स्पेस एक ऐसी जगह है जिसको हम टच भी नहीं कर सकते और जिसे हम देख भी नहीं सकते हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज़मीन से थाउजेंड किलोमीटर ऊपर जाए या अगर हम सात सौ किलोमीटर ऊपर जाए तो हम कहते हैं कि वहाँ से स्पेस स्टार्ट होगी लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है अगर हम अर्थ के ऊपर से ये सारी जो मकान हैं जितनी भी चीज़ें ज़मीन के ऊपर ये हटा ले तो ये भी एक स्पेस बन गया या अगर हम ज़मीन को ही हटा ले तो फिर क्या रह गया फिर भी स्पेस रह गया फिर अगर हम सारे जितने भी स्टार्स स्टार्ज आ रहे सारी जगहों को हटा लें तो फिर ये जो चीज़ रह जाती है इसको हम कहते हैं स्पेस अब स्पेस में होता क्या है स्पेस में स्टूडेंट्स ये होता है कि वेट लॉस हो जाता है यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जितनी भी चीज़ें होती है हला में वो फ्रीली उड़ती रहती है तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एन स्पेस और बॉडी लॉजिज़ वेट एम सी क्यूज नंबर टू है हमारा वन क्विंटल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स बेसिकली क्विंटल जो है ये कुछ भी नहीं है ना इसके पीछे कोई इतनी हिस्ट्री है क्विंटल जस्ट यूनिट है वेट का जिस तरह किलोग्राम है तो ये भी क्विंटल जो है ये भी वेट का एक यूनिट है और ये बराबर होता है हंड्रेड किलोग्राम्स का यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हेयर एम सी क्यूज नंबर थ्री है हमारा द साइंटिस्ट हु टोल्ड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनर्जी वॉस सुनोस देखिए उस साइंटिस्ट का नाम है जाउल यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हेयर अब हम जाउल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जाउल था कौन स्टूडेंट बेसिकली जाउल के घर में पूरी नेम की बात करूँ तो जाउल का जो पूरा नाम है वो है जेम्स प्रिस जाउल ये एक इंग्लिश फिजिकस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे अब स्टूडेंट्स जाउल ने किया क्या जाउल ने स्टूडेंट्स ये किया कि इन्होंने जो हीट की नेचर होती है और उनको स्टडी किया और फिर इसका रिलेशनशिप मैकेनिकल वर्क के साथ डिस्कवर किया फिर जब ये मैकेनिकल वर्क और हीट नेचर इनका रिलेशनशिप डिस्कवर हुआ तो इससे क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आ गई और तब फर्स्ट ऑफ थरमोडाइनमिक्स जब आई तो उसके बाद जॉल का जो यूनिट है ये डिराइव हो गया एमसीक्यूज़ नंबर फोर है हमारा द टाइम टेकन फॉर सन लाइट टू रीच द अर्थ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सन लाइट का पता होना चाहिए कि सन लाइट है क्या स्टूडेंट सन लाइट है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सन से अब सन में ये जो लाइट है ये पैदा कैसी होती है तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि सन में जो है फ्यूजन रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन की वजह से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट अर्थ पर पहुंचती है तो जो सन लाइट है ये ज़मीन पर तकरीबन आठ मिनट एंड बीस सेकंड में पहुंचती है यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर इतना टाइम लगता है आसन की रोशनी को ज़मीन पर पहुँचने के लिए एम सी क्यूज नंबर फाइव है हमारा द मिरर यूज इन दटोमोबील्स आर जितनी भी गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकल्स है एनी हाउ आप जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हो इसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है तो बेसिकली में बेसिकली इनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है जिन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर जो कान के मिरर होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हमारे सन ग्लासेज में यूज़ होता है तो आपने ये याद रखना है इस चीज़ में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना एम सी क्यूज़ नंबर सिक्स है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ ये स्टूडेंट जो चाँद है और ज़मीन है इसके दरमियान में कितना फासला है डिस्टेंस कितना है तो फूडेंट इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है थ्री एट फोर फोर डबल ज़ीरो किलोमीटर यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर एम सी क्यूज नंबर सेवन है हमारा हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ वंस यानी स्टूडेंट्स चांद को कितना टाइम लगता है कि वो अर्थ का एक चक्कर बराबर करे इसकी मिसाल स्टूडेंट्स देखे जिस तरह हमारी ज़मीन अर्थ के घूमती है थ्री सिक्सटी फाइव डेज में तो इस तरह जो मून है ये भी ज़मीन का चक्कर लगाती है टोटल ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री डेज में यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर एम सी क्यूज नंबर एट है हमारा द दे डेंसिटी ऑफ एयर है स्टूडेंट डेंसिटी हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को इनशा अगली वीडियो जो मेरी आएंगी एवरीडे साइंस की उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपने डेंसिटी फाइंड किस तरह करनी है तो स्टूडेंट जो एयर की डेंसिटी है ये है वन पॉइंट टू फाइव फाइव के जी पर एम क्यूब यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट एयर स्टूडेंट्स आज के एम सिक्यूज थोड़ा सिंपल सिंपल है तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा एम सिक्यूज़ नंबर नाइन है हमारा डेंसिटी ऑफ आइस इज़ आइस की डेंसिटी कितनी होती है so, सुन जो आइस की डेंसिटी होती है वो होती है नाइन वैवन के जी पर एम क्यूब यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर एम सिक्यूज़ नंबर टेन है हमारा विंड ऑलवेज ब्लो फ्राम एरिया ऑफ इंसोन जो हवा होती है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगती है या कौन सी डायरेक्शन में जाती है तो स्टूडेंट्स जो हवा हाँ है ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हेयर तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एम सिक्यूज़ उम्मीद करता हूँ आपको एन की समझ आ गई होगी और अगर फिर भी आप लोगों को, को कोई कन्फ्यूजन हो कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़